तरह आज वादी में एंटर हो रही है, और आपको बता दें कि वादी कश्मीर में जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि लोग जो है इस यात्रा को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन एक तरफ लोग जो है अब एकजुट हो चुके हैं, और लोग अब ये भूल चुके हैं कि किसकी सरकार, लेकिन राहुल गांधी के साथ प्यार दिखाने के लिए आज लोग जो है और त्रिपुरा की सड़कों पर इस तरह से आ रहे हैं जिस तरह से किसी कश्मीर का कोई शहरी जो है वो यहाँ पर एंटर होने जा रहा है। सर, राहुल गांधी की यात्रा में जो है लोग बात करने के लिए मौजूद है, और उनसे ही मजीद जानेंगे कि आखिर इस यात्रा में जब आप आए हैं तो जम्मू कश्मीर में एंटर हुए हैं, खासकर वादी में एंटर हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर के तादाद को देखे जो राहुल गांधी के अभिनंदन और स्वागत के लिए पहुंचे हैं। सर अभिनंदन स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। मैं इस जनता के इस जनता को इतना खुशी है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जो माहौल इतना नफरत का माहौल पैदा किया गया है, इस नफरत का माहौल पैदा किया गया है आरएसएस ने। अब एक मिसाल के लिए आज इस युति के सेना लड़ाई लगा दिया गया है, आधी रात 12 बजे जाकर इस सेना को खत्म किया गया है। कम से कम सेना बन चुके हैं, और नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, और पुलवामा ने देखिए, पुलवामा में भी ये साजिश किया गया है, और तो श्रीलंका में भी ये साजिश किया गया है कि जीतू सम्मेलन के लिए इस आतंकवाद एक नरेंद्र मोदी का मुद्दा था, तो उस मुद्दे को उठाने के लिए आज हिंदुस्तान के इतनी तादाद को खत्म करके साजिश करके कहीं जगह जगह पे साजिश करके, और ऐसे जो है G20 सम्मेलन में इनका इसके विषय के ऊपर बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने साजिश किया गया था। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी ने इस नफरत को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इस भारत जोड़ो यात्रा में आज हिंदुस्तान की तादाद ही नहीं, आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तादाद कल देखा गया अनंतनाग में, भीड़ के देखो तो हम परेशान हो चुके। मुझे बताइए जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि वादी में पहले कोई आने से डरता था, लेकिन आज बीजेपी सरकार ने ये मुमकिन कराया है कि राहुल गांधी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में अमन है इसी वजह से राहुल गांधी कश्मीर में एंटर हुए। अमन नहीं होता तो राहुल गांधी नहीं आ पाते, ये बीजेपी की देन है कि राहुल गांधी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी का कोई भी इसके अंदर इंटरफियर होने का, चाहे एंटरिंग ऑफ द राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा इस लोगों की नफरत जो पैदा किया है, नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर श्रीनगर को भी हम क्रॉस करके चलेंगे, ये राहुल गांधी का अमूल उद्देश्य था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नापाक पार्टी है, ये तो कभी भी नहीं सोची कि इस धरती के लोगों से प्यार करना है। एक एग्जाम्पल है, 5 साल का अलायंस लिए महबूबाबाजी से, लेकिन 5 साल सरकार नहीं चलाएं और डेवलपमेंट क्या करें, कुछ नहीं करें, आपस में सेना से और पवित्र तादाद जम्मू कश्मीर के तादाद से झगड़े लगा देते थे, हाथों में पत्थर देते थे। जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पत्थरबाजी देखा गया है उनके 3 साल के रूल में, यही है। ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी जनता के जम्मू कश्मीर की तो कभी भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला की जनता, अल्लाह ताला का करम था तो उनको अलायंस दिया, लेकिन उस अलायंस को वो ठीक ढंग से मेरिडियन ग्राउंड से वो लोग 5 साल तक सरकार चला नहीं सके। वादी की पहाड़ में एंटर हुए हैं और राहुल गांधी वादी की पहाड़ में हैं, तो उसके लिए कविता क्या सुनाएंगे, लेकिन बात यह है कि नफरत जो पैदा हुआ है, नफरत खत्म हुआ, इसलिए खत्म हुआ कि सारे तादाद का जो प्रॉब्लम्स है, ईच एंड एवरी पर्सन इज कमिंग टू द राहुल गांधी एंड टेलिंग द प्रॉब्लम्स, बेरोजगारी हो, नफरत हो, एंड दिस इज महंगाई हो, ऐसे कई मुद्दे हो, तो ऐसा भी कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी को सेव करें राहुल गांधी जी, नहीं तो अगर जैसे राहुल गांधी कन्याकुमारी से स्टार्ट हुए तो आज श्रीनगर तक अनंतनाग तक किसी के मुंह को बास नहीं दिखे।
दिखाई दिया। ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है और कांग्रेस पार्टी की शक्ति है। तो इतना ही समझ में आया देश के वासियों को कि हमारी जान बच गई, हमारा वेल्थ बच गया, हमारा सब कुछ बच गया। मैं तो देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रही थी, किसी ना किसी एक वे में जाकर अटैक कर रही थी। देखिए आप नोटबंदी में लोग कितने बेरोजगार हुए, एक 30 दिन 40 दिन 50 दिन होते ही तुम्हारी नोट गलती हो जाएगी और नोट चेंज करो। तो चेंज कैसा करेंगे, 24,000 रुपये चेंज करने का टारगेट है। तो हमारे पास तो घर में नौकर को देने के लिए इंडस्ट्रीज के लोगों परचेसिंग के लिए ट्रांजेक्शन के लिए लोग क्लिक रख चुके हैं पैसा, तो उतना पैसा एकदम कैसा चेंज करेंगे। तो ऐसी झूठ बोलकर देश के प्रधानमंत्री एक साल तक नोटबंदी के समय झूठ बोले हैं। राजी ने आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये लोग जो है अब बीजेपी सरकार पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार के किए हुए फैसले लगातार एक एक फैसले जो है वो याद कराए जा रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना काल का जो लॉकडाउन हो, चाहे किसी भी तरह का लॉकडाउन हो, 370 का लॉकडाउन हो। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जितने भी फैसले लिए सब फैसले जो है वो लोगों के हित में नहीं थे और लोगों को परेशान करने के लिए, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा स्टार्ट की है कन्याकुमारी से, जो अब कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। और ये लोगों को मैसेज देना है कि जो इन्होंने धोखेबाजी वाली सियासत की है उससे बाहर निकालने के लिए राहुल गांधी का ये मकसद है। और ये यात्रा जो है अभी फिलहाल अगुंतीपुरा से होती हुई जो है पंथा चौक की ओर जा रही है और पंथा चौक में आज शाम को ये इख्तिताम पजीर होगी और उसके बाद ये 30 तारीख को श्रीनगर में जो है इसका आखिरी जलसा मनाया जाएगा। आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह की बात। तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।